हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था कोल के बारे में और कोल की परमिशन के बारे में। कोल एंड इट्स फॉर्मेशन, ये हमने पहले पढ़ा था। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोल एंड इट्स फॉर्मेशन के बाद इसी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का होगा। तो टॉपिक हमारा आज का क्या होगा? आज का टॉपिक हमारा होगा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अगर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल के बारे में हम बात करें तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, इसका मतलब होगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन डिस्टिलेशन हम कहते हैं ऐसा प्रोसेस जिसमें हम हीटिंग एंड कूलिंग करते हैं, प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस होगा? ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें हम कोल की ब्रेकडाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहां पे हम इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कोल, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कोल बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कोल को ब्रेक डाउन करते हैं ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में। अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में हम करेंगे तो उसकी बर्निंग हो जाएगी, इसलिए ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में या इन एरोबिक कंडीशन के अंदर उसकी सिर्फ ब्रेक डाउन होगी, उसकी बर्निंग नहीं होगी। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डिफिनीशन होगी। अब जब भी हम कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास चार तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से। तो वो चार तरह के प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन से होंगे? अब हम कहते हैं हमारे पास कोल है, इस कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करनी है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट? पहले नंबर पर हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको हम कहते हैं कोक। सेकेंड नंबर पर जो प्रोडक्ट हम कहते हैं हमारे पास होगा कोल टार। अब तीसरे नंबर पे जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है इसको हम कहते हैं अमोनिकल लिक्वर। और कोल गैस, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से जब कोल की ब्रेकडाउन होती है तो चार तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्वर एंड कोल गैस। अब अगर हम कहें कि हमारे पास एक टन कोल हो, यहां पे हम कोल के साथ लिख देते हैं हमारे पास हो वन टन ऑफ कोल, वन टन कोल हो, तो उसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स कितने ऑब्टेन होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास कोक, एक कोक ऑब्टेन होगा 700 kg, वन टन ऑफ कोल कोक ऑब्टेन हो रहा है कितना? 700 kg। उसके बाद हमारे पास ये होगा कोल टार 100 liter, क्योंकि लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। उसके बाद अमोनिकल लिक्वर, ये भी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होता है, तो हम कहते हैं हमारे पास 50 liter ये ऑब्टेन हो रहा है। उसके बाद कोल गैस है तो हमारे पास 400 m³ ऑफ कोल गैस। पहले हमने कहा कि जब कोल की ब्रेकडाउन होती है तो हमारे पास चार तरह के प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं, कोक, कोल टार, अमोनिकल लिक्वर, कोल गैस। अब इस चार तरह के प्रोडक्ट्स में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन के अंदर कोक आता है 700 kg, इसी तरह 100 liter, 50 liter एंड 400 m³ ऑफ कोल गैस, ये हमारे पास होगा। अब हमने वन बाय वन इसको डिस्कस करना है, वन बाय वन को पढ़ना है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कोक। कोक, तो कोक हम कहते हैं हमारे पास ऐसा बाई प्रोडक्ट है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल की वजह से बनता है। अब इसके बारे में हम कहते हैं हमारे पास होते हैं ग्रे हार्ड फॉर्म के अंदर, इसका मतलब ये होगा कि कोक जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। जनरल हम इसकी रिप्रेजेंटेशन सिर्फ सी से करते हैं, सी के साथ एस लगा देते हैं, सॉलिड फॉर्म के अंदर हो जाएगा, तो ये हमारे पास कोक होगा।
अब ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू कोक को अपटेन किया जाता है उसको हम कोकिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपटेनिंग कोक क्या कहते हैं इसको? कोकिंग। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कोक को अपटेन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? कोक। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि कोक को अपटेन किया जाता है एट टेम्परेचर हायर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर देन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। जब टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा होगा और कोल की ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास कोक जो है ये मेजर प्रोडक्ट के अंदर बनेगा। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन पढ़े कि कोक की कंपोजिशन क्या है, तो कोक की कंपोजिशन में हम यहां पे लिख देते हैं हमारे पास होगा कंपोजिशन। कंपोजिशन के अंदर हमारे पास दो चीजें इसकी कंपोजिशन के अंदर आ जाती है, एक हमारे पास होगा मेजर कंटेंट, एक हमारे पास होगा माइनर कंटेंट। अब मेजर के अंदर तो हमें पता है हमारे पास क्या मौजूद होगा, कार्बन। क्या मौजूद होगा मेजर के अंदर? कार्बन मौजूद होगा। और माइनर में हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, ये इसके माइनर कंटेंट्स होंगे। मतलब इसके अंदर माइनर एलिमेंट्स में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद होगा कोक के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि कोक का काम क्या है, कोक को कहां पे यूज किया जाता है, तो सबसे पहले बात तो हमारे पास आ जाएगी कोक के बारे में कि इसको यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस। वाटर गैस हमारे पास क्या होता है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये वाटर गैस है। तो वाटर गैस की प्रिपरेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। मतलब हमारे पास रिएक्शन हम किस तरह लिखते हैं? हमारे पास वाटर H2, इसको हम रिएक्ट करते हैं कोक के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2 प्लस CO, इसका नाम क्या है? वाटर गैस, वाटर गैस। तो ये वाटर गैस है और इसको हम ऑब्टेन करते हैं जब वाटर को रिएक्ट करते हैं कोक के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है वाटर गैस। एक तो हमारे पास ये आ जाते हैं। दूसरी बात इसके बारे में, कोक के बारे में, कि इसको यूज किया जाता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मुख्तलिफ जो मेटल्स होते हैं उस मेटल को उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए यहां पे कोक को यूज किया जाता है। तो रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पे हम लिखते हैं हमारे पास एक है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अब ये और है क्योंकि इसमें सिलिकॉन भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी है, हमने सिलिकॉन को एक्सट्रैक्ट करना है तो इसको हम रिएक्ट करेंगे कोक के साथ, कार्बन के साथ। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? सिलिकॉन प्लस CO2। तो ये क्या बन गया? ये मेटल। अब सिलिकॉन हमारे पास बन गया तो हमने इसको एक्सट्रैक्ट कर दिया किससे? इसके ओर से। और इसके लिए हमने क्या यूज किया? कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज किया। अगर इसकी दूसरी एग्जांपल हम लिख देते हैं तो हमारे पास है Fe2O5, इसको हम रिएक्ट करते हैं कार्बन के साथ, कोक के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? Fe प्लस CO। अब इसको बैलेंस कर देते हैं तो 2 आ जाएगा यहां पे, और यहां पे अगर हम 4 लिख देते हैं, 4, तो ये बैलेंस हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा और ये यहां पे आ जाएगा CO2 5 5। तो ये एक्सट्रैक्शन थी, ये हमारे पास आयरन पेंटॉक्साइड, इसको हमने रिएक्ट किया कोक के साथ तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना? Fe, मतलब जो आयरन है इस आयरन को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया किसके थ्रू? कोक के थ्रू, कार्बन के थ्रू। यहां पे कार्बन यूज हुआ है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये इसकी, और इसको होम्स के अंदर भी यूज किया जाता है, इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है फॉर बर्निंग पर्पसेस। तो यहां पे हम लिख देते हैं होम्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये हमारे पास थोड़ी सी बातें थी कोक के बारे में कि कोक हमारे पास क्या है, कोल से अपटेन किया जाता है और ग्रे हार्ट फॉर्म में होता है। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम कोक को अपटेन करते हैं, कोकिंग कहलाता है। जब टेम्परेचर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से हाइयर होता है तो कोक बन जाता है। फिर इसमें कार्बन भी मौजूद होता है मेजर कंटेंट्स में, माइनर में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन मौजूद होता है।
और इसको हम यूज करते हैं वाटर गेस की प्रिपरेशन के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं और होम्स और इंडस्ट्रीज के अंदर यूज करते हैं। तो ये हमारे पास जो बात थी कोक की। अब इसके बाद सेकंड नंबर पे कोक के बाद जो दूसरा हमारे पास है उसको हम कहते हैं कोल टार। अब कोल टार जो है, ये कोल टार मौजूद होता है लिक्विड फॉर्म के अंदर। हम कोल टार के बारे में थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे कि कोल टार, पहली बात तो हमारे पास आ गई है, हम यहां पे लिख देते हैं कोल टार। सेकंड नंबर पे क्या होगा? कोल टार। अब पहली बात इसके बारे में, कौन से फॉर्म के अंदर मौजूद होगा कोल टार? लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। कौन से फॉर्म के अंदर मौजूद होगा? लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद होगा। और इसके बारे में, इससे इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, या हम कहते हैं कि कंपोज्ड ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं? राउंड अबाउट 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कोल टार के अंदर। लेकिन इस 10,000 में ओनली 50% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नाउन, मतलब सिर्फ 50% तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउन है, बाकी इसमें नाउन नहीं है। पता नहीं है कि कौन कौन से कंपाउंड मौजूद होते हैं। और इस कंपाउंड्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हम मेथड यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इससे हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। तो इस मुख्तलिफ कंपाउंड्स में हमारे पास जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है, इसके अंदर बेंजीन मौजूद होता है, इसके अंदर ज़ाइलीन मौजूद होता है, इसके अंदर नेप्थलीन मौजूद होता है, और इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ये इसके अंदर मौजूद होते हैं। राउंड अबाउट 10,000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। और इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है अमोनिकल लीक्वर। अब इस अमोनिकल लीक्वर के अंदर, इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें अमोनिकल लीक्वर की, तो ये भी कंपोजिशन कौन कौन से, इसमें NH3 मौजूद होता है, इसमें NH4 पॉजिटिव मौजूद होता है, इसमें फास्फोरस मौजूद होता है स्मॉल अमाउंट में, सल्फर मौजूद होता है, किसी इसके क्या है, ये इसके मेजर कंटेंट्स हैं जो इसके अंदर मौजूद होते हैं। अब इसको यूज किया जाता है किस लिए? फॉर फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर इसको यूज किया जाता है। अब इसका, इसको हम इक्वस अमोनिया भी कहते हैं, इक्वस अमोनिया, इसको इक्वस अमोनिया का नाम भी दिया जाता है। और इसमें अगर इसका एक और भी नाम है, अमोनिकल लिक्वर है, तो इसको हम एक दूसरा नाम भी दे देते हैं जिसको हम अमोनिया वाटर कहते हैं। सेकंड नाम इसका क्या होगा? अमोनिया वाटर। तो ये हमारे पास लिक्विड अमोनिया या इक्वस अमोनिया या अमोनिकल लिक्वर या अमोनिया वाटर है। और फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं कोल गैस। फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? कोल गैस। अब ये कोल गैस जो है इसको टाउन गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टाउन गैस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? H2+CO। टाउन गैस इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको सप्लाई किया जाता है पाइप्स के थ्रू, इसको यूज किया जाता है घर में फॉर बर्निंग प्रोसेसेस के लिए। अब अगर इसकी हम कंपोजिशन की बात करें कोल गैस की, तो कंपोजिशन इसकी बड़ी यूनिक सी है। कंपोजिशन में क्या क्या मौजूद होगा इसके अंदर? एक तो इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद होता है, दूसरा इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है, तीसरा इसके अंदर CH4 भी मौजूद होता है, और चौथा इसके अंदर इथाइलीन भी मौजूद होता है। ये हमारे पास इसके कॉन्टेंट्स है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH4 एंड इथाइलीन मौजूद होता है। इसमें हमारे पास ये होगा 50% इसके अंदर H2 मौजूद होता है हाइड्रोजन, उसके बाद 35% इसके अंदर मौजूद होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, 35% इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर 35 नहीं, ये 35 इसमें मौजूद होता है CH4 में, 35% CH4 इसमें मौजूद होता है, 10% इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होता है, और 5% इसमें इथाइलीन मौजूद होता है। तो ये इसकी कंपोजिशन आ जाती है, और इसको यूज किया जाता है हीटिंग और लाइटनिंग प्रोसेस के लिए। तो लास्ट वन हमारे पास था कोल गैस,
इसको टाउन गैस भी कहते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं H2 प्लस CO, कंपोजिशन में हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मीथेन और इथाइलीन आ गया। तो 50% सबसे ज्यादा इसके अंदर हाइड्रोजन है, फिर इसमें 35% CH4 आ जाता है और 5% इथाइलीन है और इसी तरह 10% इसके इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल थी कि चार तरह के प्रोडक्ट्स को कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोल बेस। तो होप आप लोगों को समझ आई होगी इसकी। थैंक यू।